हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टराइजेशन। दोस्तों, चैप्टर 4 के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आया हूँ, तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द एस सी एफ ऑफ 36 ए की पावर 5 बी स्क्वायर एंड 90 ए की क्यूब बी की पावर 4 इज, यानी आपके पास दोस्तों दो नंबर हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इनका क्या निकालना है, एस सी एफ यानी में से। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, एस सी एफ निकालने के लिए कम से कम आपके पास दो नंबर होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने नंबर चाहिए आपको, दो। तो दो नंबर आपके पास हैं, तो देखते हैं कैसे इन दो संख्याओं को आज हम एस एफ निकालना सीखेंगे। तो एस एफ निकालने के लिए दो नंबर आपके पास होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको दोस्तों समझाने वाला हूँ। सपोज करें दोस्तों, आपके पास एक नंबर मान लीजिए 6 है, और एक नंबर आपके पास मान लो 8 है। अब इनका हमें क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है। एस सी एफ दोस्त होता है आपका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप उसको लिख सकते हो 2 3 होते हैं दोस्तों आपके 6। अगर हम 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आंसर आएगा 2 × 2 2 2 4 4 2 8। अब आपको दोस्तों इसका मान लीजिए क्या निकालना है, एस सी एफ। ठीक है, तो एस सी एफ होता है जो दोनों नंबर के अंदर जो नंबर कॉमन होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ आपके पास 2 है और यहाँ भी आपके पास क्या है, 2। तो इन दोनों नंबर के अंदर 2 क्या आपका कॉमन है, तो 2 आप नीचे लिख लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 3 और यहाँ 2, यानी 3 आपके पास नहीं है नीचे, ऊपर है, नीचे 2 है तो ऊपर कोई 2 भी नहीं है। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन नंबर है वो केवल आपके पास कितना है, 2 है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ये मेरे पास है मान लो 6x² एक नंबर, और मान लो मेरे पास एक नंबर आपका 4y ले लेते हैं चलिए। अब इनका आपको एस सी एफ निकालना था दोस्तों। 6x² को आप लिख सकते हैं 2 3 कितने होते हैं दोस्तों आपके 6 इन टू में एक्स के स्क्वायर को आप दो बार लिख सकते हैं, या चाहे तो एक्स इन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी आपके पास 4y है, इसको आप क्या ले सकते हैं, 2 2 4 इन टू में आपका वाई। अब दोस्तों मान लीजिए आपको इसका निकालना है एस सी एफ। अगर हमें इसका एस सी एफ निकालना है तो आप देखते हैं जो नंबर कॉमन होता है उसी को तो एस सी एफ कहते हैं आप। जैसे कि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास, तो 2 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी तो 2 का पेयर बन गया आपका। अब देखिए 3 2 नहीं कॉमन पेयर बन रहा, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई, यहाँ भी एक्स है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों आपके पास होगा वो कितना होगा, केवल 2 होगा। अब जो आपके पास है, ये दो नंबर आपको दिए गए हैं 36 a की पावर 5 बी स्क्वायर एंड 90 a की क्यूब b की पावर 4। आपको इसका दोस्तों एस सी एफ निकालना है। तो चलिए इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 36 को आपने यहाँ लिखा 2 2 4 4 3 12 12 3 हो गए दोस्तों आपके 36। अभी यहाँ ए की पावर 5 है, इसको मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, a³ × a², क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आपको पता है कि अगर दो नंबर आपके इनटू में होते हैं और उनकी पावर कुछ भी हो सकती है, अगर दो नंबर इनटू में है उनके बेस सेम है तो पावर आपकी हो जाती है ऐड, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि x³ + 3। तो दोस्तों x की पावर यहाँ आपके पास कितनी आ जाएगी, 5। तो x की पावर 5 को आप इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो x की पावर देखिए मेरे पास यहाँ जो थी कितनी थी, 5, यानी a की पावर यहाँ कितनी थी, 5। इसको मैंने लिख लिया a³ इनटू में a² ऐसा। दोस्तों मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता सेकंड नंबर में आपके पास 1³ है, तो इतने नहीं तो हमें 1 को 5 टाइम्स लिखना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ 1 को क्या लिख लिया आपका, 1 की पावर 5 को 1³ × a² लिख लिया, और b² आपका सेम। अभी देखिए 90 है, 90 के अगर आप फैक्टर कराएंगे प्राइम फैक्टर, तो आंसर कितना है आपके पास, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 कितने होते हैं, 90। a³ आपका दोस्तों सेम, लेकिन जैसे b⁴ है और ऊपर b²² थी, तो मैंने इसको भी b²² में कन्वर्ट कर लिया, b² यानी b² × b². अब इनके अंदर देखिए क्या चीज़ कॉमन है आपकी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इस ये 2 है, देखिए ये भी 2, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया आपका, चलिए। फिर देखिए दोस्तों, आपका एक ये 3 है ना, इसके पास भी 3 है, तो एक कॉमन आपने यहाँ ले लिया 3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ भी 3 है आपके पास, और यहाँ भी क्या है आपके पास, 3, तो हमने एक ये वाला 3 ले लिया, चलिए। इसके बाद देखिए a³ इसके पास भी, और a³ इसके पास भी है, तो a³ भी दोस्तों आपका कॉमन हो गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ b² है, और यहाँ भी आपके पास क्या, b² है, तो ये भी क्या ले लिया आपने, कॉमन। अब तो कोई नंबर आपका नहीं बचा, यहाँ 2 है तो, लेकिन इसके पास कोई अदर नंबर 2 आपका नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। अब देखिए 2 × 3 करेंगे, 2 3 6 6 3 होते हैं आपके 18, और a³ और साथ में b². तो यानी दोस्तों जब आप इस नंबर का क्या निकालेंगे, एस सी एफ, तो आपके पास आंसर आएगा 18 a³ b²। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भाई दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपके पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी नीचे जो बहुपद हमें दिया हुआ है इसका हमें मैसे निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है इसका आपको, मैसे यानी एलसीएम।
अब देखिए आपके पास यहाँ भी कितने नंबर है, दो, यानी एलसीएम में भी कम से कम आपके पास दो नंबर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में बस क्या ध्यान रखना है कि इसके भी हम सेम प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी 25 का 200 आप कर ले सकते हैं 5 × 5। अभी देखिए एक्स की क्यूब है और यहाँ दोस्तों आपके पास केवल क्या है, एक्स है, तो हमने क्यूब को क्या लिख लिया, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर को आपने लिख लिया वाई इंटू वाई। अब बात करें 15 की, 15 को आप लिख सकते हैं 3 × 5, यानी 3 × 5 = 15 इंटू में एक्स इंटू में आपका वाई। अब दोस्तों हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो सेम है उससे लिख लेंगे आप, जैसे कि देखिए यहाँ भी आपके पास क्या है 5 और यहाँ भी आपके पास क्या है 5, तो आपने दोस्तों यहाँ 5 लिख लिया, ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए अब आपके पास में दोस्तों यहाँ क्या है, एक्स है और यहाँ भी आपके पास क्या है एक्स, तो आपने एक्स भी क्या ले लिया यहाँ पे कॉमन, इतना क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ भी आपके पास वाई है और यहाँ भी आपके पास क्या वाई, तो वाई भी आपने यहाँ क्या ले दिया आपका कॉमन दे दिया। जो कॉमन होंगे दोस्तों वो तो आपको लेने ही लेने हैं, लेकिन जो बाकी के नंबर बचेंगे उन सबको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों एक तो आपके पास ये 3 बचा, तो इस 3 को भी आपने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास ये 5 बचा, इस 5 को भी आपने यहाँ लिख लिया। एक ही एक्स स्क्वायर बचा था आपके पास, आपने इस एक्स स्क्वायर को भी ले लिया, और एक ही वाई बचा था तो हमने इस वाई को भी यहाँ पर ले लिया। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन है वो तो आप लेंगे लेंगे, लेकिन बाकी के जो अदर नंबर बचेंगे दोनों नंबर के, उनको भी आप यहाँ मल्टीप्लाई में लोगे। अब इनकी इंटू कर लेते हैं आप, देखिए 5, ये 5 है दोस्तों, इस 5 की इंटू 3 से करेंगे 5 × 3 = 15, 15 की इंटू 5 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 75। ये देखिए एक एक्स है आपके पास और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की इंटू आप एक्स से करेंगे तो आंसर आएगा एक्स की क्यूब। दोस्तों ये भी आपका वाई है और ये भी आपका वाई, तो वाई की इंटू आप वाई से करेंगे तो आंसर आएगा आपका वाई स्क्वायर। तो इसका जो एलसीएम होगा वो आपके पास होगा 75 × x³ y² तो दोस्तों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका होने वाला है थर्ड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन थर्ड आपके पास है, इफ 120 का स्क्वायर माइनस 20² = 25p, देन पी इज इक्वल टू, यदि 120 का स्क्वायर माइनस 20² = 25p के, तो यहाँ पर p की जो वैल्यू होगी यानी p किसके इक्वल होगा ये आपको बताना। इन चार ऑप्शन में से कोई ऐसा एक ऑप्शन आपका ठीक होने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आपके पास है 120 का स्क्वायर माइनस 20² = 25p। तो देखिए दोस्तों यहाँ ही फॉर्मूला आपका बन जाता है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है दोस्तों आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब हम यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसका अप्लाई किस तरीके से आप करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है और यहाँ भी a का स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्लियर होगा दोस्तों जहां जहाँ a होगा वहां आपको लिखना पड़ेगा 120। फिर देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, अब ये b और यहाँ कितना 20² तो दोस्तों b की जो वैल्यू आपके पास होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। अब इन दोनों वैल्यूज को आप कहाँ पुट करने वाले हैं, a प्लस बी और a माइनस बी के अंदर। देखिए पहले दोस्तों a है तो a की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 120, फिर उसके बाद क्या प्लस b, b की वैल्यू कितनी आपके पास 20, सेकंड ब्रैकेट में आपके पास है a माइनस बी, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 120, माइनस b की वैल्यू कितनी है 20 = 25p। 120 में आप 20 ऐड करेंगे तो दोस्तों आंसर कितना आएगा आपके पास 140, ब्रैकेट ओपन होगा साइन इनटू, और 120 में से 20 गए तो दोस्तों कितना बचा 100। ये 25 यहाँ आपके क्या है मल्टीप्लाई में, तो दोस्तों नीचे आ जाएंगे आपके डिवाइड में, 25 से आप 100 को डिवाइड करेंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 4, 140 आपका सेम इक्वल टू पी, दोनों अगर आप इंटू करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 560। यानी दोस्तों यहाँ जो पी का जो मान होगा वो कितना होगा आपके पास में 560, यानी 560 होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं ये को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, इफ m -1/m = -3, देन m³ - 1/m³ =, यानी दोस्तों अगर m -1/m किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा, तो आपको बताना होगा कि m³ - 1/m³ किसके इक्वल होगी। तो इसके जैसे क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपका ये। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, आपको वैल्यू निकालनी है, देखिए m³ - 1/m³, इतना क्लियर है दोस्तों आपको, और आपके पास गिवन क्या है m - 1/m किसके इक्वल है, -3 के, तो हमें तो क्यूब की वैल्यू बतानी है, तो हमने बोथ साइड दोस्तों क्या करा दी इसकी क्यूब। जब आप इसकी बोथ साइड क्या करेंगे दोस्तों क्यूब करेंगे, साइड क्यूब करेंगे तो आपके पास है यहाँ पर m - 1/m की
होल क्यूब इक्वल टू माइनस रूट थ्री की क्यूब। अब यहाँ फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला आपके पास होता है ए की क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर माइनस बी की क्यूब। और ये फॉर्मूला हमें इसके अंदर अप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये साफ है कि दोस्तों जहाँ आपके पास ए होगा, जहाँ पर ए आपके पास होगा आप ए की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर एम, और जहाँ बी होगा बी की वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पर वन अपॉन एम। और एक चीज और मैं आपको बता दूं आगे आपका यूज होने वाला, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ माइनस रूट थ्री की क्यूब खोलनी है, माइनस रूट थ्री की क्यूब, तो इसे किस तरीके से खोलेंगे आप देखिए, इसका मतलब यही तो होगा आपका कि माइनस रूट थ्री की इंटू आपको माइनस रूट थ्री से कितनी बार करनी होगी, थ्री टाइम्स करनी पड़ेगी। कितनी टाइम्स करेंगे आप, थ्री टाइम्स। तो ये तो आप बहुत अच्छे जानते हो दोस्तों, जब माइनस की इंटू माइनस होती है साइन आता है प्लस, और रूट थ्री की इंटू रूट थ्री से करेंगे आंसर आएगा आपके पास थ्री, इंटू में क्या बचा आपके पास माइनस रूट थ्री। अगर आप थ्री की इंटू थ्री की इंटू अगर आप करते हैं माइनस रूट थ्री से, जब प्लस की इंटू दोस्तों माइनस होते हैं फिर साइन कौन सा आता है आपका माइनस, और थ्री की इंटू रूट थ्री से करेंगे तो आंसर आएगा आपका थ्री रूट थ्री, यानी आप कह सकते हैं कि माइनस रूट की क्यूब कितनी होती है, माइनस थ्री रूट थ्री होती है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास में। देखिए दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ए की वैल्यू आप यहाँ क्या पुट करेंगे एम पुट करेंगे, और बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप यहाँ पर वन अपॉन एम पुट करने वाले हैं। तो पहला आपके पास है ए की क्यूब, ए कितना दोस्तों आपके पास m, तो देखिए m की क्यूब लिखा आपने, फिर माइनस, फिर ये वाला आपने जो 3 है ना आपका यहाँ पर, ये आपका सेम, इनटू में a का स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास कितनी है m, तो m का स्क्वायर, इनटू में b कितना दोस्तों 1 अपॉन m, फिर देखिए प्लस 3 ab का स्क्वायर, तो 3 आपका सेम, a कितना आपके पास दोस्तों m, और b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m, लेकिन दोस्तों b का स्क्वायर है फॉर्मूले के अंदर, तो आप b का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस b की देखिए लास्ट में क्यूब, और b की वैल्यू आपके पास है कितनी है 1 अपॉन m, तो 1 अपॉन एम की क्यूब इक्वल टू माइनस माइनस रूट थ्री की आप क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस थ्री रूट थ्री, वो मैं आपको यहाँ लिखवा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पहले खोल के बता दी थी। ठीक है, अब देखिए एम की क्यूब आपका सेम, माइनस सेम, थ्री सेम, देखिए यहाँ स्क्वायर से आपका एम कैंसिल दोस्तों, और इसे एम की इंटू वन से करेंगे तो आपका एम सेम, फिर प्लस थ्री की इंटू एम से करेंगे थ्री एम इंटू वन का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है वन, और एम स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर, माइनस वन की क्यूब कितनी होगी वन, और साथ में आपका एम की क्यूब इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री। अब देखिए m की क्यूब आपका सेम, माइनस थ्री एम आपका सेम, प्लस यहाँ भी इस m से आपका स्क्वायर खत्म, वो थ्री के इंटू वन से करेंगे थ्री अपॉन में m, माइनस वन अपॉन एम क्यूब इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री। अब देखिए आपको दोस्तों जो वैल्यू निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी, m की क्यूब माइनस वन अपॉन एम की क्यूब की निकालनी थी, तो m की क्यूब आपने सेम लिखा माइनस वन अपॉन एम की क्यूब, इन दोनों नंबर्स को, ये दो नंबर है ना आपके पास ये वाले, इन दोनों नंबर्स को हम कहाँ लेंगे, इस साइड लेके उठा दें। ठीक है, तो जब आप इन दोनों नंबर्स को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ आपके पास पहले से कितना है माइनस थ्री रूट थ्री, ये माइनस के थ्री एम दोस्तों किसके बन जाएंगे प्लस के थ्री एम, और प्लस के थ्री अपॉन एम क्या बन जाएंगे आपके माइनस थ्री अपॉन एम बन जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेम इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री आपका सेम, प्लस भी सेम, थ्री भी सेम। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपने थ्री का निकाल लिया इसके अंदर से कॉमन, जैसे आप यहाँ से थ्री कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा m माइनस, जब यहाँ से थ्री कंप्लीट कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वन अपॉन में m, ब्रैकेट आपका क्लोज, ये आपका सेम इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री आपका सेम, प्लस आपका सेम, थ्री भी सेम लिखेंगे आप। देखिए m माइनस वन अपॉन एम की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी थी वहां पर माइनस के रूट थ्री, कितनी थी आपके पास माइनस रूट थ्री थी, तो आपने यहाँ इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख लिया आपने इसकी जगह पर माइनस रूट थ्री लिखा, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ माइनस रूट थ्री लिखेंगे तो ये आपका सेम इक्वल टू सेम दोस्तों, देखिए माइनस थ्री रूट थ्री आपका सेम, जब रूट थ्री के इंटू आप फिर माइनस थ्री से करेंगे तो आंसर क्या आएगा फिर आपका माइनस थ्री रूट थ्री, ये भी सेम सेम है दोनों, ये भी माइनस थ्री रूट थ्री, ये भी माइनस थ्री रूट थ्री, दोनों को प्लस करोगे तो माइनस के सिक्स रूट थ्री। तो दोस्तों एम की क्यूब माइनस वन अपॉन एम क्यूब की जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है वो आ चुकी है माइनस सिक्स रूट थ्री। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हो चुका है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, हमें ये बताना दोस्तों ये किसके इक्वल हो गए यानी किसके बराबर है। मेरे कुछ दोस्त होते हैं जो इसमें केवल इंटू करने स्टार्ट कर देते हैं, अब देखिए इतनी बड़ी इंटू है कि आप 467 की थ्री बार इंटू करेंगे, फिर प्लस फिर 533 की थ्री बार इंटू करेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे, फिर अपॉन वाले को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, इतना लंबा नहीं करना है दोस्तों आपको, इसका बहुत ही आसान सा तरीका जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिए आपके पास क्या है, आपको इस नंबर दिए हुए इसको आपने सेम लिखा यहाँ पर, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके पास ये 467 कितनी बार लिखा, थ्री बार, तो मैंने इसको लिख लिया 467 की क्यूब, प्लस 533 भी कितनी बार लिखा है आपका थ्री टाइम्स, तो इसको भी हमने क्या बना दिया क्यूब, ये कितनी बार लिखा है आपका टू टाइम्स, तो इसका स्क्वायर हो गया
ये वन टाइम है तो इनको हमने सेम ऐसे ही रहने दिया, लेकिन ये भी आपका कितनी बार है, दो बार, तो इसका भी आपने क्या करा दिया स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों यहाँ पर आपका ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो फॉर्मूला आपके पास है सामने लिखा हुआ है कि देखिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपकी यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास में 467 एंड आपकी यहाँ बी की वैल्यू फिर हो जाएगी आपके पास 533। अब इन दोनों वैल्यूज को दोस्तों हम पुट कराएंगे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने वाले हैं आप, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो दोस्तों ए कितना आपके पास 467 प्लस बी कितना आपके पास 533। फिर उसके बाद आता है सेकंड ब्रैकेट ओपन किया आपने, उसमें आता है ए का स्क्वायर, तो ए कितना आपके पास 467, तो इसका आपने क्या किया स्क्वायर माइनस। फिर आता आपके पास ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ए कितना है 467 और बी कितना 533 प्लस बी का स्क्वायर यानी 533 का आप क्या करेंगे स्क्वायर, अपॉन वाला दोस्तों आपने सेम लिखा। अब ध्यान से देखिए 467 का स्क्वायर 467 का स्क्वायर माइनस 467 इंटू में 533 सेम बिल्कुल प्लस 530 का स्क्वायर प्लस 530 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये इंटू में भी है नीचे डिवाइड में नंबर दोनों सेम है, तो इस पूरे से आपका ये पूरा आपका कैंसिल आउट। तो दोस्तों आपके पास कितना बचा यहाँ पर 467 प्लस 533 दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया 1000 यानी 1000 आपका आ चुका है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन ठीक होने वाला है कौन सा ऑप्शन सही है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर कोई भी आपका डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करें, जो भी आपके डाउट्स होंगे हम उनको क्लियर कराएंगे। देखते हैं दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनफल ज्ञात करो, यानी हमारे पास इस बार नीचे दो ऑप्शन दिए गए, हमें इनके क्या निकालने दोस्तों गुणनफल निकालने हैं यानी इनका प्रोडक्ट करना है, इनकी इंटू करनी है आपको। तो बहुत ही आसान सा है, देखिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन सेकंड ब्रैकेट में ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन। तो ये दोस्तों एक फॉर्मूला बन जाता है, अगर मैं इसको ए मान लूं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ आपका एक फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों, जो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिखवा चुका हूँ, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी होता है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए लेकिन यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो है आपके पास में ए की पावर एम और बी की जो दोस्तों वैल्यू आपकी होगी वो होगी आपके पास में ए की पावर एन, ठीक है इतना आप समझ रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ ए का स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर, तो देखिए ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितनी होगी आपके पास में ए की पावर एम, तो उसका स्क्वायर करेंगे आप फिर माइनस, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ माइनस आता है आपका। फिर बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है ए की पावर एन, आपको बी का स्क्वायर करना है तो उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं अगर कभी भी जैसे मान लीजिए मेरे पास में ए का स्क्वायर है और उसकी भी कोई पावर हो आपके पास में मान लो 3, यानी पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो आप क्या करेंगे ए आप सेम लिखेंगे और 2 के इनटू कर देंगे 3 2 3 कितने हो गए 6, तो ए की पावर दोस्तों यहाँ कितनी आ चुकी है 6। सेम वही आप यहाँ करेंगे, अगर आप एम की इंटू 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 2m, तो ए की पावर होगी अब आपके पास 2m माइनस ए की पावर एन की पावर 2 है तो 2 की इंटू आप एन से करेंगे तो ए की पावर हो जाएगी आपके पास दोस्तों 2n। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर सेकंड। तो आपके पास लिखा होगा 103 इंटू 103 टाइम्स है, तो हम इसको कह सकते हैं 103 की क्या है आपकी होल क्यूब है, और इस होल क्यूब को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों आपके पास 103 है तो आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 की होल क्यूब। अब यहाँ आपका एक फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों ए की क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, और यहाँ पर ए की जो दोस्तों वैल्यू आपकी रहेगी वो कितनी रहेगी 100 और बी की वैल्यू होने वाली है आपके पास में 3। अब ये दोनों वैल्यू आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करने वाले हैं इस फॉर्मूले के अंदर, चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास में जो है ए की क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है 100, तो देखिए 100 की आपने क्यूब लिखी, फिर प्लस 3 स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए कितना आपके पास 100, तो 100 स्क्वायर इंटू में बी कितना है 3, प्लस 3 इंटू ए कितना आपके पास 100 और बी कितना आपके पास 3, लेकिन दोस्तों बी का स्क्वायर है तो आप 3 का भी क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस बी की क्यूब तो बी की वैल्यू 3 है तो 3 की आप क्या करेंगे क्यूब। देखिए अब आपके पास में आपको बतानी है कि 100 की क्यूब क्या होती है, सिंपल से आपको इंटू नहीं करनी है, आपको पहले 1 लिखना है, 1 आपने सेम लिख लिया। अभी देखिए दोस्तों 100 में 0 कितनी आती है, तो आंसर है 2, तो 2 के इंटू 3 से कर दो, तो 2 3 से होते हैं 6, यानी 2 3 6, तो 6 0 इसके पीछे लगा दो सिंपल से, अब आप 3 4 5 6। अब जैसे मान लो आपको 100 का स्क्वायर करना, तो 1 का 1 लिखो, 0 100 में आती है 2, 2 के इंटू आप 2 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 10,000 यानी 10,000।
तो बिना इंटू करे इस तरीके से हम सौ ट्रिक्स से भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 100 की क्यूब होती है आपके पास ये, प्लस 3 आपका सेम 100 का स्क्वायर आपने यहाँ लिखा, फिर इंटू में 3 प्लस 3 की इंटू 100 से करेंगे 300, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 3 की क्यूब कितनी होती है 27। ये आपने दोस्तों सेम लिख लिया, 3 की इंटू आप 3 से करेंगे 9, और 9 की आप 10,000 से करेंगे तो 90,000 प्लस। अब देखिए 9 की इंटू आप करेंगे 300 से तो 2700 प्लस 27, इन सबको हमने ऐड किया दोस्तों, तो आपके पास ये नंबर्स आ गए। इन सबको ऐड करने के बाद आपका टोटल आंसर आ चुका है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन आपके पास है, x इक्वल टू ए माइनस बी एंड y इक्वल टू बी माइनस सी देन सो डेट। आपको ये दर्शाना है कि अगर x की वैल्यू दोस्तों a माइनस बी हो और y की वैल्यू कितनी हो b माइनस सी, तो आपको बताना है कि a माइनस सी सेकंड ब्रैकेट में a प्लस सी माइनस टू बी किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो दोस्तों हमने राइट हैंड साइड भी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड। अब इसके अंदर देखिए x की वैल्यू आपके पास दोस्तों यहाँ कितनी है a माइनस बी, तो हमने a माइनस बी लिखा लेकिन दोस्तों यहाँ x का स्क्वायर है। जब आपके पास दोस्तों यहाँ देखिए x का स्क्वायर और x की वैल्यू आपके पास कितनी है a माइनस बी, तो आपने a माइनस बी लिखा लेकिन x स्क्वायर, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे, इतना क्लियर। फिर माइनस आपका सेम y का स्क्वायर, y की वैल्यू आपके पास दोस्तों कितनी है b माइनस सी, तो आपने b माइनस सी लिखा लेकिन y का स्क्वायर है, तो इसका भी क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे। चलिए इसके बाद अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी मैंने इस पूरे को क्या मान लिया आपका a मान लिया, क्या मान लिया आपका इस पूरे को a, और इस पूरे कंप्लीट को मैंने क्या मान लिया आपका b, नहीं तो हमें फिर यहाँ दोनों में ही फॉर्मूला लगाना पड़ता a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ भी b माइनस c का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों यहाँ a की वैल्यू आपके पास है a माइनस b एंड b की वैल्यू आपके पास अब यहाँ पर b माइनस c, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी करना है आपको, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है a माइनस बी, तो आपने a माइनस बी लिखा, फिर ये वाला आ गया आपका प्लस, ठीक है। फिर देखिए b, b की वैल्यू कितनी है b माइनस सी, तो आपने वो लिख दिया, तो ये बन गया आपका a प्लस बी, यानी मैं लिख देता हूँ मेरा a प्लस बी। अब बात करेंगे यहाँ पर फिर हम a, a कितना आपके पास a माइनस बी, तो a आ गया आपका फिर ये वाला माइनस, और b कितना आपके पास b माइनस सी। देखिए a प्लस बी माइनस बी बन गया आपका, अब इनके ब्रैकेट खोल देते हैं, a माइनस बी आपका दोस्तों सेम प्लस की इंटू प्लस बी से करेंगे तो प्लस बी रहेगा, और प्लस बी की प्लस की इंटू आप माइनस सी से करेंगे तो माइनस सी, यानी प्लस का साइन है तो साइन कोई चेंज आपका नहीं होगा, क्योंकि साइन केवल जब चेंज होते हैं दोस्तों आपके जब बाहर माइनस का साइन होता है, अंदर साइन आपके प्लस होंगे तो माइनस बन जाएंगे, माइनस वाले आपके प्लस बन जाएंगे। सेकंड ब्रैकेट में आते हैं ए माइनस बी आपका सेम, अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका बाहर साइन माइनस का है पर अंदर आपके पास क्या है बी माइनस सी है, तो जब माइनस की आप इंटू करेंगे अंदर, तो माइनस की इंटू प्लस होते हैं तो साइन आएगा आपका माइनस, और माइनस की इंटू माइनस करेंगे साइन आएगा आपका दोस्तों प्लस, तो आपके पास यहाँ पर रहेगा माइनस बी प्लस सी। अब देखिए ये माइनस बी प्लस बी दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बचा ए माइनस सी, ये आपका सेम माइनस बी, दो माइनस बी आपके पास दोस्तों कितने बन चुके हैं ये माइनस के टू बी प्लस सी, ए माइनस सी आपका सेम ए पहले लिख लिया, ए आपका है ही पहले, ए आपने पहला लिखा नहीं, प्लस सी और माइनस के टू बी, यानी हमने प्लस सी को पहले कर लिया, माइनस टू बी को आपको आपका बाद में हो चुका है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आपका आंसर आ चुका है, तो आप कह सकते हैं सर देखिए आपका आंसर बिल्कुल सेम है, a माइनस सी ब्रैकेट में a प्लस सी माइनस टू बी आ चुका है आपका आंसर। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों किसके इक्वल, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब देखिए इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 8, फैक्टराइज यानी गुणनखंड करने दोस्तों अब आपको। तो फैक्टराइज किसे करने, हमारे पास इक्वेशन है कि एक्स की पावर 7 इंटू में वाई की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 20 इंटू वाई की पावर 20, इनके आपको दोस्तों क्या करने हैं फैक्टराइज यानी गुणनखंड करने हैं। चलिए तो देखिए x की पावर 7 इंटू वाई की पावर 6 आपने सेम लिखा प्लस, ये देखिए दोस्तों हमें अगर फैक्टर करने हैं तो फैक्टर यानी इसके अंदर से कुछ कॉमन निकालना होगा, कॉमन कब निकाल सकते हैं जब संख्या आपकी कुछ सेम हो, तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे देखिए आपके पास है यहाँ पर x की पावर है 22, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए मुझे मेरे पास x की पावर 7 है, तो मैंने इसको एक तो x की पावर 7 में कन्वर्ट कर लिया और इंटू में x की पावर कितनी बची हमारे पास एक 15, क्योंकि आप जानते हैं 15 और 7 कितने होते हैं 22 होते हैं। ऐसे अब आपके पास y की पावर एक कितनी है दोस्तों आपके पास 20, जबकि यहाँ y की पावर 6 है, तो इसको मैंने लिख लिया कुछ इस तरीके से y की पावर 6 इंटू में y की पावर आपके पास 14, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका सेम प्लस x की पावर 22 को आपने लिखा x की पावर 7 इंटू में x की पावर 15 इंटू y की पावर 20 को आपने लिख लिया y की पावर 6 इंटू y की पावर 14। ऐसा करने से केवल ये फायदा होगा कि अभी देखिए ये x की पावर 7
ये भी आपका एक्स की पावर 7, तो दोस्तों आपने एक कॉमन निकाल लिया। ये वाई की पावर 6, ये भी वाई की पावर 6, ये भी आपका कॉमन। जब यहाँ से पूरा कंप्लीट कॉमन निकाल लिया तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, ये 1। फिर प्लस ये तो आपने कॉमन निकाले तो यहाँ केवल कितना बचा एक्स की पावर 15 और यहाँ कितना बचा वाई की पावर 14। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स की पावर 7 इंटू वाई की पावर 6 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 15 इंटू में वाई की पावर 14। तो दोस्तों ये इसके फैक्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आपका 9। तो चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी संकेतित संक्रिया कीजिए, यानी आपको दिया हुआ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। तो देखिए दोस्तों ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जैसे कि आप जानते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है आप प्लस और माइनस जब कर सकते हैं जब नीचे के दोनों के डिनोमिनेटर क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, यानी हर क्या होंगे आपके बराबर होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 2/3 प्लस 1/2 है दोस्तों आपके पास, तो ये प्लस और माइनस जब हो सकते हैं जब नीचे की संख्या क्या होती है आपकी बराबर यानी इक्वल होती है। तो हम इसमें क्रॉस इंटू करा लेते हैं, अगर आप 2 की इंटू 2 से कराते हैं तो 4, प्लस 3 की इंटू 1 से करेंगे 3 अपॉन में 3 टू 6। अब देखिए 4 और 3 कितने होते हैं 7 और अपॉन में 6। लेकिन आप दोस्तों ये भी तो जानते हैं अगर दो नंबर इंटू में एक जैसे होते हैं तो आप कह सकते हैं सर ये उसका क्या है स्क्वायर है। सपोज करें 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है, या उसको कह सकते हैं 36। इन तीनों का मतलब एक ही आपका। तो देखिए इसके अंदर मैं कह रहा हूँ क्रॉस इंटू, यानी इसकी मैं पहले इससे इंटू करूंगा। अगर आप एक्स प्लस वन की इंटू करते हैं एक्स प्लस वन से, तो आप कह सकते हैं सर एक्स प्लस वन का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी आप जानते हैं एक्स इंटू एक्स किसके इक्वल होता है आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल भी होता है। प्लस अब देखिए एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर इंटू आप करते हैं वन से, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सेम अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन। अब यह फॉर्मूला आपका बन रहा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ साइड में लिखवा चुका हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और इस फॉर्मूले के अंदर आपकी ए की वैल्यू होगी एक्स एंड बी की वैल्यू आप पुट करेंगे 1। तो देखिए दोस्तों जहां जहां ए होगा वहां आपको एक्स पुट कर देना, और जहां आपके पास बी है वहां कितना पुट करेंगे 1। तो पहला ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a कितना है एक्स, और बी की वैल्यू 1 प्लस बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर सेकंड के आपके पास प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे और सेकंड ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आपको मैं यहाँ सेकंड फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, और इसके अंदर भी आपकी ए की वैल्यू एक्स रहेगी और बी की वैल्यू 1। तो देखिए ए कितना एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना एक्स, बी की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी बी का स्क्वायर। अब उनमें देखिए फिर फॉर्मूला बन जाता है आपका एक एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको भी खोल देते हैं। तो हमने प्लस वाले को दोस्तों पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू आगे पीछे कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद क्या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना एक्स, बी कितना 1 प्लस बी यानी 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सेम प्लस आपका सेम 2 की इंटू आप 1 से करेंगे 2, और 2 की इंटू एक्स से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। फिर प्लस एक्स स्क्वायर सेम माइनस 2x की इंटू 1 से करेंगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। एक्स प्लस वन आपका सेम एक्स स्क्वायर सेम माइनस के 2x प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, अच्छे से आपको मालूम भी है। अभी देखिए प्लस के 2x हैं आपके, ये वाले प्लस के 2x हैं दोस्तों आपके, और ये हैं आपके पास माइनस के 2x। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट, यानी इससे आपका ये कैंसिल, तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के, तो एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव 1, ये भी पॉजिटिव 1, यानी 1 प्लस कितने हो गए प्लस के 2। अब मैंने अंदर x की इंटू करा दी आपकी, अगर आप x की इंटू करते हैं दोस्तों x स्क्वायर से, तो आंसर आएगा आपका x की क्यूब। फिर माइनस x की इंटू करेंगे 2x से, तो 2x स्क्वायर प्लस x की इंटू 1 से करेंगे तो x। फिर उसके बाद प्लस प्लस 1 की इंटू आप इससे करेंगे तो सेम नंबर आएगा, यानी 1 की इंटू x स्क्वायर से करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2 आपका सेम, x की क्यूब आपका सेम, माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर गया तो कितना बचा माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस x और माइनस 2x है तो माइनस 2x में से प्लस x का, तो भी कितना बचा माइनस x प्लस 1। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10। तो क्वेश्चन 10 आपके पास है फैक्टराइज यानी गुणनखंड करो। तो दोस्तों इस बार मैंने आपको यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, तो देखते हैं कि इस तरीके से हम इनके फैक्टर करने वाले हैं। तो आपके पास फर्स्ट है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमें इसके फैक्टर करने हैं, आपके पास 9 है, फैक्टर जब हो सकते हैं जब ये पूरे का स्क्वायर हो, लेकिन यहाँ पूरे का स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप जानते हो इस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, और आप ये भी जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 9 को क्या लिखा आपका 3 का स्क्वायर इंटू में आपका एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 16 को आपने लिखा 4 स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं जब दो नंबर जैसे कि सपोज करो एक्स
इंटू वाई, एक एक्स स्क्वायर है एक आपका वाई स्क्वायर, अगर दोनों की पावर सेम होती है, बेस आपके अलग हो, तो आप क्या करते हैं बेस की इंटू करा देते हैं और पावर आप एक ले लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई में उनके बेस अलग होते हैं लेकिन पावर सेम होती है, तो उनके बेस की दोस्तों क्या हो जाती है आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पावर सेम है तो थ्री के इंटू एक्स करेंगे तो थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस फोर के वाई से करेंगे तो फोर वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों आपका ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू रहने वाली है दोस्तों थ्री एक्स एंड बी की वैल्यू आपकी यहाँ रहेगी फोर वाई। तो देखिए सबसे पहले ए प्लस बी, तो दोस्तों ए कितना थ्री एक्स और बी कितना फोर वाई, फिर सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए कितना थ्री एक्स और बी कितना आपके पास फोर वाई। तो इसके साथ पार्ट वन आपका कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सेकंड। आपके पास है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स वाई प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वायर, इसके भी दोस्तों आपको करने हैं फैक्टर। देखिए सबसे पहले आपको नाइन है तो नाइन एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ थ्री एक्स स्क्वायर, जैसे कि मेरे पास यहाँ था नाइन एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिखा था थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसको आपने लिख लिया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, यह एक फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों मेरे पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर देखिए इस फॉर्मूले के अंदर भी मैं अगर ए की वैल्यू थ्री एक्स पुट कर दूं और बी की वैल्यू कितनी पुट कर दें आप यहाँ पर दोस्तों फोर वाई, तो देखिए आपका आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए थ्री एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस टू ए, तो ए कितना है दोस्तों आपके पास में जैसे कि मैंने आपको बताया थ्री एक्स इंटू में बी की वैल्यू कितनी है आपके पास फोर वाई प्लस फोर वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों जब इस फॉर्मूले के अंदर आप ए की वैल्यू थ्री एक्स और बी की वैल्यू फोर वाई पुट करेंगे तो आपके पास थ्री एक्स स्क्वायर यानी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के टू इंटू में थ्री एक्स इंटू में फोर वाई प्लस फोर वाई का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन चुका है किसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके अंदर नंबर क्या होंगे आपके पास में थ्री एक्स प्लस फोर वाई होंगे। अभी इसका स्क्वायर होता है उसको आप कितनी बार लिख सकते हैं दो बार, तो इसका स्क्वायर इसको आपने कितनी बार लिख लिया दो बार यानी थ्री एक्स प्लस फोर वाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई। तो दोस्तों इस इक्वेशन के जो फैक्टर होंगे आपके पास में क्या होंगे थ्री एक्स प्लस फोर वाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप क्वेश्चन आपको